सद्गुरु कबीर ने बीजक में एक पद कहा है, जिसकी पहली पंक्ति है, संतों जागत नींद न कीजिए। ऐ संतों जागते रहो, नींद मत लो। यहां सद्गुरु कबीर संतों को कहते हैं, क्यों? क्योंकि संत कहे जाने वाले विचरण करते रहते हैं और ज्ञानोपदेश करके लोगों को जगाने का काम करते हैं। जिनका काम जगाना है वो लोग ही सो जाए तो तब तो दुनिया वैसे ही सो जाएगी। और वैसे सद्गुरु कबीर की दृष्टि में मानव मात्र संत है। चाहे कोई हो, स्त्री पुरुष बूढ़े बालक साधु गृहस्थ, सब संत हैं। क्यों? क्योंकि सबका मौलिक स्वरूप शांत है। जो शांत है वही संत है। संत का अर्थ ही होता है शांत मन वाला। मौलिक स्वरूप तो शांत है, यदि हमारे मौलिक स्वरूप में अशांति होती तो हम चाहे जितनी मेहनत करते, जितना भी हम त्याग वैराग का काम करते, कभी शांत नहीं हो सकते थे। लेकिन विवेक विचार संयम साधना द्वारा शांति का अनुभव किया जा सकता है। इसे सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति का मौलिक स्वरूप शांत है, लेकिन भूल गए हैं उसको। उसी को फिर से प्राप्त करना है। प्राप्त करना क्या है? प्राप्त है उस दशा में ठहरने का काम करना है। तो संत मानव मात्र, बीजक शब्द प्रकरण का पहला शब्द संतों भक्ति सतोगुर आनी, इसकी व्याख्या करते हुए श्री पूरन साहब ने कहा है, संतों कहिए श्रोता, जितने भी श्रोता हैं जो सत्संग में आए हुए हैं,
वो सब संत हैं। संतों शांत स्वरूप, जो शांत स्वरूप है वो संत है। संतों के ही जीव को, जीव मात्र संत है, जो अपने निज रूप का निवारण करने में लगे हुए हैं। बचा कौन फिर? तो यहां संत से मतलब केवल साधु वेशधारी नहीं, मानव मात्र। साधु वेशधारियों को हम संत कहें तो उनका काम ही है शांत रहना। स्वयं जगना और दूसरों को जगाना। महावीर स्वामी से पूछा गया, मुनि कौन? मुनि मतलब संत ही है, शब्द अलग अलग है। जागृतो मुनि, जो जागा हुआ है वह मुनि है, संत है। जो सोया हुआ है वो संसारी है, किसी भी कपड़े में हो, हमारे कपड़े में हो। जिसका मन लोभ मोह अज्ञान में सोया हुआ है, हमारे कपड़े में रह कर भी वो संसारी व्यक्ति है। धोती कुर्ते में हो, साड़ी ब्लाउज में है, जिसका मन जगा हुआ है विवेक में, ज्ञान में, संयम में, साधना में, वो संत है, वो मुनि है। कपड़े का महत्व होते हुए भी मुनित्व, संतत्व, साधुत्व कपड़े में सीमित नहीं है। किसी भी कपड़े में रहकर कोई ही व्यक्ति मुनि हो सकता है, साधु हो सकता है, संत हो सकता है, महात्मा हो सकता है और परमात्मा हो सकता है। यहां साहब कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए। ऐ संतों जागते रहो, सो मत, नींद मत करो। कहीं मोह हो जाना, असावधान हो जाना, ये सोना है। कहना चाहिए असावधानी ही नींद लेना है, सावधानी जागना है। अब प्रश्न यह हो सकता है, साहब कह रहे हैं यहां पर संतों जागत नींद न कीजिए, उपदेश दे रहे हैं, तो जागने वालों को जो सामने बैठे हुए हैं उनको ही तो कहा जाएगा, उपदेश किसको दिया जाएगा? जो सोए हुए हैं उपदेश दिया जाता है जागने वालों को। लेकिन एक जागना होता है शरीर का और एक जागना होता है मन का। जागने का मतलब क्या है? जागा हुआ कौन है? जो दुखी नहीं है, जिसका मन दुखी नहीं है, वो जागा हुआ है। और जिसका मन दुखी है वह सोया हुआ है। जिसके मन में तनाव है, चिंता है, भय है, विषाद है, पीड़ा है, वह सोया हुआ है। और जिसके मन में यह सब नहीं है वह जागा हुआ है। अब सोचना है हमें अपने लिए
कि हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं। भ्रम है जागने का और सो रहे हैं। जागे हुए होते तो चिंता में विषाद में क्यों पड़ते? जागे हुए होते तो कलह क्यों करते, विवाद क्यों करते, लड़ाई झगड़ा क्यों करते? जागे हुए होते तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर उलझते क्यों? किसी ने हमें कुछ कह दिया, थोड़ी निंदा कर दी, बुराई कर दी, प्रतिकूल टिप्पणी कर दी, सुन करके हम दुखी हो गए, ये हमारे सोने की पहचान है। जागे हुए होते तो निंदा बुराई प्रतिकूल टिप्पणी को सुनकर हम और सावधान हो जाते, लेकिन सावधान कहां होते? प्रतिक्रिया की भावना, मन में प्रतिक्रिया की भावना होना सोने की पहचान है। अज्ञान, अज्ञान मतलब सोना। और प्रतिक्रिया, थोड़ी थोड़ी बातों को लो, हर समय प्रतिक्रिया, रिएक्शन, प्रतिक्रिया विहीन मन, रिएक्शन लेस मन। सुख से जीना है, शांति से जीना है तो मन को प्रतिक्रिया विहीन करना होगा, चाहे मजबूरी से करें, चाहे समझदारी से करें। प्रतिक्रिया हमारी हार है, प्रतिक्रिया हमारी कमजोरी की पहचान है, और हर समय हम थोड़े थोड़े में प्रतिक्रिया करते रहते हैं। कुछ भी थोड़े से कुछ सुन लिए, बाबा साहब बात तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन बस जहां लेकिन आया प्रतिक्रिया जग गई मन में। लेकिन क्या मतलब? क्या मेरे अंदर खराबी है? अब कुढ़न शुरू हो गई। किसी ने कुछ कह दिया है, अब अंदर अंदर समय उन्होंने मुझे ऐसा कहा, वो समझता क्या है मुझको, उसको देख लूंगा। क्या देख लेंगे? अपने को देख लिया जाए, दूसरों को क्या देखें? दूसरों को देखते देखते तो अनादिकाल का समय चला गया, जीवन ही चला जा रहा है। दूसरों को देखना बंद करें, अपने को देखना होगा। जो दूसरों को देखता है वो संसारी, जो अपने को देखता है वो साधक, संत, साधु। देखने का मतलब अपने को ठीक करने में लग जाना, अपने दोषों को, अपनी गलतियों को, अपने कमजोरियों को ठीक करने का जो काम करता वो साधु है, वही संत है। और जिसकी दृष्टि बराबर दूसरे की गलतियों पर है और दूसरे गलतियों को देख देख करके बराबर जो शुभ्ध होता रहता है, जिसका मन शोभित होता रहता है, वही तो संसारी है। ये कपड़े में संसारी और साधु तो थोड़े हैं, कपड़ा तो वेश है, मन। प्रतिक्रिया विहीन मन, जो कुछ हम करते हैं, पूजा पाठ, नाम जप, हवन तर्पण, भक्ति सेवा साधना का काम, सबका फल होना चाहिए प्रतिक्रिया विहीन मन। यही जागना है। संतों जागत नींद न कीजिए। सदगुरु कहते हैं कि ऐ संतों जागते रहो, नींद मत करो।
सावधान। छोटा सा छोटा काम हो, पूरी सावधानी के साथ। कल बात आई थी ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जगह जगह हम लिखा हुआ देखते हैं। क्या सचमुच में हम सावधानी हैं? दुखी हुए, दुखी होना असावधानी का परिणाम है। सावधानी नहीं रह गई। ये दुनिया है, सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। बाहर सुख और दुख नहीं है, ये भी याद रखना होगा। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, ये शेक्सपियर ने कहा है। बाहर न अच्छा है न बुरा है, न सुख है दुख है, हमारा हमारी थिंकिंग, हमारा चिंतन, हमारा मन सुख और दुख बनाता है। मन के अनुकूल होना, मन अनुकूल बात हुई, मन अनुकूल काम हुआ, मन अनुकूल कपड़ा मिल गया, मन अनुकूल गहने मिल गए, मन अनुकूल खाने को मिल गया, मन अनुकूल रहने को मिल गया, बस सुख हो गया। मन के प्रतिकूल होना, मन अनुकूल जगह नहीं मिली, मन अनुकूल बैठने को नहीं मिला, मन अनुकूल सम्मान नहीं मिला, मन अनुकूल भोजन नहीं मिला, मन अनुकूल कपड़े नहीं मिले, मन अनुकूल गहने नहीं मिले, दुख। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक सही घटना है, एक युवती को पहली बार बच्चा हुआ तो उसके लिए जो साड़ी लाई गई उसके मन अनुकूल नहीं हुआ, इसी बात को लेकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। है कितनी बड़ी बात, सिर्फ साड़ी मन अनुकूल नहीं मिली, बस आत्महत्या कर ली। तो ये क्या है? तो मन के अनुकूल ना होना, बस दुख यही है। बाहर न सुख है न दुख है, और मन बदलता रहता है। वही चीज कभी अच्छी लगती है और कभी वही चीज बुरी लगती है। अभी आपको मान लो आप घर में दो, घर में जाओ, कहीं भी हो, आप घर में आए, आपकी पत्नी ने आपको खाने के लिए ठंडी रोटी दे दी, बासी रोटी दे दी, आपका मन दुखी हुआ, क्रोध से भर गया कि दिन भर काम करके मैं आया, मुझे ठंडी बासी रोटी खाने को दिया जा रहा है। अब बहुत गुस्से में आ गया, दुखी हो गया, अब हो सकता है लात मार करके फेंक दिया। लेकिन कल्पना करो, दो दिन तीन दिन से आप भूखे हैं, भूखते परेशान हैं, और ठंडी रोटी मिल जाए, कहो कि भैया अमृत मिल गया। वही ठंडी रोटी आपने लात मारकर फेंक दी थी घर में, और तीन दिन के भूखे रहने के पश्चात ठंडी रोटी मिली, तब अमृत से बढ़ करके खाओगे। चित तो वही, रोटी तो ठंडी दोनों समय थी ना, एक समय आपका पेट भरा हुआ था, ठंडी रोटी बेकार लगी, एक समय आपको भूख परेशान पेट में मरोर हो रहे थे, ठंडी रोटी अमृत जैसे लग गई। ये तो बाहर की स्थिति बदलती रहती है, इसको लेकर के सुखी दुखी होना हमारी अपनी कमजोरी है।
तो सावधानी का अर्थ क्या है? जागने का अर्थ है सावधानी, हर हर समय सावधान 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 रहेंगे प्रतिक्रिया नहीं होगी, सावधान रहेंगे हर गलत जो हम मानते हैं हर घटना से हम प्रेरणा ले सकते हैं। सावधान नहीं है बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है, हम प्रेरणा नहीं ले पाते, इसलिए सावधानी। जो भी काम करना है सावधानी पूर्वक, खाएं सावधानी पूर्वक, बोलें सावधानी पूर्वक, मतलब हर समय जागरूक होकर के, जागरूक होकर काम करेंगे ना तो हर समय आप प्रसन्न रहेंगे। हम जागते कहाँ हैं? एक मोटा उदाहरण ले लो कि आप खाने खाने बैठते हैं, क्या सचमुच में जागकर खाते हैं कि सोकर खाते हैं? अधिकतम लोग सोए सोए खाते हैं, सो करके खाते हैं, जागकर खाने वाला कोई कोई होता है। एक संत से पूछा गया, महाराज आपकी साधना क्या है? संत ने कहा, जब भूख लगती है खा लेता हूं, जब नींद आती है लगती है सो जाता हूं। कहा ये तो हम भी करते हैं, हम भी भूख लगती है खाना खा लेते हैं, नींद लगती है सो जाती है, ये तो इस साधना की बात नहीं है। लेकिन बात समझने की, आप जब खाना खाने बैठते हो, भोजन करने बैठते हो, तो सोचो जरा, जागकर खाते हो या सोकर खाते हो? अधिकतम तो आप सोकर के खाते हो, हम सब सोकर खाते हैं। उदाहरण ले लो, कई बार आपको ऐसा अवसर मिला होगा, आप भोजन करने खाना खाने के लिए बैठे, आपको खाते खाते 5-7 मिनट का समय व्यतीत हो गया है, भंडारी ने आपसे पूछ लिया भोजन बनाने वाले ने, चाहे आपकी पत्नी हो, माँ हो, भाई हो या कहीं और हो, अच्छा बताओ सब्जी में नमक कैसा है, खीर ठीक बनी है नहीं बनी है? आप कहते अच्छा रुको अभी खाकर बताता हूँ, फिर खाते। अब तो खा रहे थे 5 मिनट तक, सो खा रहे थे ना, जो आप कहते हैं सर रुको भी खाकर बताता हूं, मतलब अब तक जो खाए हैं आप सो कर खा रहे थे, अभी जो खाओगे ना पहला चम्मच वो जाकर खाओगे तब पता चलेगा हाँ नमक कम है या ज्यादा है। 5-7 मिनट खा ली, पता नहीं चला था क्या आपको? कहां थे उस समय आप? सोए हुए थे, या तो सोए हुए थे या बाजार में घूम रहे थे, वहां नहीं बैठे थे आप। यदि वहां बैठे होते तो जैसे पूछते सब्जी में नमक कैसे, वैसे तुरंत कह देते ठीक है कम है या ज्यादा है। वो तो आदत है, बत्ती चली भी जाएगी ना, आप खाना खाने बैठे हो, बत्ती चली भी जाएगी तो हाथ थाली में जाएगा, कौर उठाएगा, मुंह में ले जाएगा और दांत चबा लेगा, दांत देने कहेगा महाराज भैया ये तो अंधेरा है चबाऊं कैसे, आदत बनी हुई है, आंख मुंह का भी आप खा सकते हो, वो तो आदत है, जाकर थोड़े खाते हैं। यदि जाकर के खाएंगे आप तो आपका खाना खाना भी ध्यान बनेगा, जाकर झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू लगाना ध्यान बनेगा, झाड़ू लगा रहे हैं कहीं पर झाड़ू लगाए, कहीं पर झाड़ू पड़ा, कहीं पर नहीं पड़ा, कहीं पर देख लग तो गए झाड़ू, लेकिन जगह जगह कुछ कचड़े धूल शेष रह गए हैं, ये आप सोए सोए लगा रहे हो झाड़ू,
पोछा लगाते हो, कहीं पर पोछा पड़ता है, कहीं पर पोछा नहीं पड़ता, ये बताया है जा रहा है, ये निशानी है कि आप पोछा लगा रहे हो तो सोए का लगा रहे हो, जाकर नहीं लगा रहे हो। जाकर लगाओगे ना तो पोछा लगाना भी ध्यान बनेगा, साधना बनेगा। हम जागते कहां हैं? हर समय से पूरी तरह से होश हवास में रहना, वेद में एक मंत्र आता है, ऋषि बोध प्रतिबोधाव सपनो यस्य जागृहि तौते प्राणस्य गुप्तारो दिवानक्तं तं जागृताम्। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋषि बोध प्रतिबोधाव सपनो यस्य जागृहि, हर आदमी के अंदर दो ऋषि निवास करते हैं, उनका नाम क्या है? एक का नाम है बोध और दूसरे का नाम है प्रतिबोध। तौते प्राणस्य गोप्तारो, वे दोनों तुम्हारे प्राण के रक्षक हैं। दिवा नक्तंत्र जागृता, उनमें से एक दिन रात जागता रहता है और दूसरा कभी सोता नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? जो सोता नहीं है वह वही जागता है, जो जागता है वह सोता नहीं है। अंतर है दोनों में, बाहरी रूप से अंतर नहीं है। जो जागता है वो सोता नहीं है, जो सोता है वो जागता नहीं है। पहली बात है बोध और प्रतिबोध, ये दो ऋषि। बोध और प्रतिबोध के अर्थ क्या है? बोध का अर्थ होता है जानना, बोध का अर्थ तृप्ति, संतुष्टि। तो यहां बोध का अर्थ है जानना। किसको जानना? बाहर की बातों को जानना। ये माइक, यह माइक है, ये जानना बोध है। सामने कैमरा है, घड़ी है, बल्ब जल रहा है, पंखे चल रहे हैं, सामने दीवार है, सामने लोग बैठे हुए हैं, ये सब जानना बोध है। मतलब बाहर की बातों को जानना, बाहर के विषयों को जानना बोध है। इसकी आवश्यकता है, बिना जाने काम कैसे करेंगे? लेकिन प्रतिबोध, माइक को कौन जान रहा है? माइक को माइक जान रहा है, कैमरे को कैमरा जान रहा है, घड़ी को घड़ी जान रही है, पंखों को पंखे जान रहे हैं, बल्ब को बल्ब जान रहा है, या कौन है जानने वाला? मैं। प्रतिबोध मतलब अपनी तरफ लौटना, स्वयं की तरफ लौटना। माइक को जानने वाला माइक से अलग है, कैमरे को जानने वाला कैमरा से अलग है, घड़ी जानने वाला घड़ी से अलग है, दीवार जानने वाला दीवार से अलग। वो कौन? मैं ना होता तो माइक को कौन जानता? मैं ना होता कैमरे को कौन जानता? तो बाहर से लौटकर स्वयं को जानना ये बोध है, ये प्रतिबोध है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, ये उपनिषद में कहा गया है।
प्रतिबोध द्वारा ही हम अपने को जान सकते हैं। लौटे स्वयं की ओर, लौटे स्वयं को जाने। हम सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सबको जानने वाले अपने आप को। और अपने आप को जान लेंगे तब भटकने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होगी, भटकाव बंद। जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, सेल्फ नॉलेज नहीं होगा, तब तक ईश्वर ब्रह्म खुदा परमात्मा गॉड मोक्ष पाने के लिए हम भटकते रहेंगे। लोग पूछते हैं, महाराज भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, तुम कौन हो जो भगवान खोज रहे हो, तुम कौन हो जो परमात्मा खोज रहे हो। कहते हैं तुम्हें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो परमात्मा मिलेगा किसको, भगवान मिलेगा किसको। पहले तुम कुछ हो, कुछ होते ही नहीं तो परमात्मा को खोजता कौन। वह कौन है जो परमात्मा खोज रहा है, वह कौन है जिसको परमात्मा की आवश्यकता है, पहले ये समझो। यही प्रतिबोध है। यदि तुम कुछ ना होते, हम कुछ ना होते तो परमात्मा को खोजता कौन, मोक्ष को, खुदा गार्ड को खोजता कौन। हम हैं कुछ, आप हैं कुछ, तो परमात्मा को जानने के पहले, भगवान को, खुदा या गॉड को जानने के पहले स्वयं को जान ले कि मैं कौन हूं। जब स्वयं को जान लेंगे तब परमात्मा खोजना बंद हो जाएगा। पता चल जाएगा जिसे मैं खोज रहा था वो तो मैं ही हूं। ये बोध हो जाना प्रतिबोध है। तो ऋषि बोध प्रतिबोधाव स्वप्न इससे जागृति। दो ऋषि, एक बोध एक प्रतिबोध। एक बोध बाहरी ज्ञान, भौतिक ज्ञान ले लो बाप। प्रतिबोध स्व का ज्ञान, सेल्फ का ज्ञान, नॉलेज। हर आदमी के अंदर ये दो ऋषि हैं। दोनों करते क्या हैं, तौते प्राणस गुप्तारो। ये दोनों हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं। कैसे? एक जो है सदैव जागता रहता है और दूसरा कभी सोता नहीं है। प्रमाद नहीं करता, आलस्य नहीं करता, मूर्ता में नहीं पड़ता। जागने का मतलब है आलस्य प्रमाद मूर्ता को छोड़ देना। प्रमाद सो जाना है, अप्रमाद जग जाना है। प्रमाद का अर्थ क्या है? प्रमाद का समान अर्थ होता है अहंकार। बड़ा प्रमादी आदमी है, मतलब उदंड अहंकारी। वैसे प्रमाद का अर्थ होता है असावधानी और अप्रमाद का अर्थ होता है सावधानी, जागना।
तथागत बुद्ध ने कहा है, पमादो ही मत्स्यनो पदो पदम, ये प्रमाद मृत्यु पद है। अमृत पद क्या है? अब पमादो, अब प्रमाद। प्रमाद का मूल अर्थ है, मैंने कहा प्रमाद का अर्थ अहंकार हम करते हैं, लेकिन प्रमाद का मूल अर्थ क्या है? जो करने लायक है, जिसे करना चाहिए उसे नहीं करना, जो करने लायक नहीं है जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना, यह कहलाता है प्रमाद। अकर्तव्य को कर्तव्य समझना, कर्तव्य को अकर्तव्य समझना, यह प्रमाद है। यही सो जाना है, यही मृत्यु है। जीती जी मृत्यु, अकर्तव्य को कर्तव्य समझना, कर्तव्य को अकर्तव्य समझना, ये जीते जी मरना है। क्योंकि फिर हम जिंदगी भर गलत रास्ते में चलते रहेंगे। तो जागने का मतलब सावधान, हर समय साधन में, निरंतर सावधानी, निरंतर हर बात में। यदि हम जागे हुए होंगे, कभी गलत विचार मन में आएगा, ईर्ष्या द्वेष की भावना आएगी, घृणा वैमनस्य की भावना आएगी, जागे हुए होंगे, किसी के धन वैभव को देख करके लोभ आएगा, जागा हुआ आदमी कोई गलत काम करेगा, कहीं देखे लुभा गए, आकर्षित हो गए, मुग्ध हो गए, ये हमारी सोने की पहचान। और हम सब टटोलने अपने मन को, दूसरे के धन को, रूप को, जवानी को, पद को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को देख करके मन में कभी लोभ आया या नहीं आया? जब जब लोभ आया तब 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 सोए हुए थे, आगे भी लोभ आएगा समझ लेना कि मैं सोया हुआ हूं। और सोया हुआ आदमी कब भटक जाए पता नहीं है, इसलिए जागे। गोस्वामी जी ने कहा है, यही जग जागे, यही जग जामनी जागे ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, मोह निशा सब सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। सोने का मतलब क्या है? मोह जाना, कहीं पर आसक्त हो जाना, चिपक जाना अपने अपने। और जहां अनुकूलता मिली हमारा मन वहां चिपक जाता है। इसके बिना मैं जीवित रह नहीं सकता, अमुक चीज नहीं मिली तो जीना बेकार, ये सोने की पहचान है। और ऐसा हम कहते हैं, अहंकार ज्ञानी होने का, अहंकार विद्वान होने का, अहंकार बहुत समझदार होने का, अहंकार पता नहीं किस किस बात का। और कहते हैं अमुक के बिना मैं जी नहीं सकता। क्यों नहीं जी सकते? लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं, आप क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि आप सोए हुए हैं, चिपका हुआ है मन, आपने बांध लिया अपने आप को। अभी आप कह रहे हैं वो चीज नहीं रहेगी ना, तो भी आप जियोगे, ऐसा नहीं है। कौन किसके बिना नहीं जिया है? प्री से प्री का वियोग होता है, आदमी जीता है, सब कुछ में जी लेता है। लेकिन यदि सुख से जीना है, स्वतंत्र होकर मालिक बन करके जीना है, तो कभी ये मत कहो कि अमुक के बिना मैं जी नहीं सकता। जिस क्षण आपने कहा
कि अमुक चीज नहीं मिली तो जिंदगी बेकार, अमुक के बिना मैं जी नहीं सकता, आप उसी क्षण गुलाम बन गए। ये गुलामी की पहचान है। और गुलाम कभी सुखी नहीं हो सकता। गुलाम का काम है केवल काम करते जाना, करते जाना, करते जाना, उस चीज को भोग नहीं कर पाना। बड़ी से बड़ी चीज मिल जाए उपयोग कर लो, जो जब जैसी जो चीज मिले उपयोग करो, कीमती से कीमती, मूल्यवान से मूल्यवान चीज मिले प्रयोग करो, लेकिन मन को ऊपर उठा करके, मालिक बन करके। ध्यान रखें, कोई भी चीज दुनिया की छोटी या बड़ी आपके लिए है, आप चीजों के लिए नहीं हो। जब तक चीज आपके लिए है आप मालिक, और आप चीज के लिए हो गए आप गुलाम। अब मर्जी आपकी कि आप गुलाम बनकर जीना चाहते हो या मालिक बनकर जीना चाहते हो। पैसा आपके लिए है, जब तक पैसा आपके लिए है कमाते हो, खाते हो, खिलाते हो, पैसा उपयोग करते हो, मन को ऊपर उठा करके रखते हो, तो आप मालिक हो। और जिस क्षण आप पैसे के लिए हो गए, है पैसा, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, लगेगा अहंकार में इतने पैसे का मालिक, मालिक नहीं हो, गुलाम हो, केवल रखवाली कर रहे हो बस। ये आपके सोने की पहचान है, किसी के, मेरे भी किसी की भी सोने की पहचान यही है। तो मोहनिशा सब सोवनहारा, सब तो सो रहे हैं अज्ञान की नींद में, बस देख रहे हैं अनेक प्रकार के स्वप्न। ये स्वप्न टूटना है, जाने तबे जीव जग जागा, सब जब सब विषय विलास विरागा, सारे विलासों से विराग, मतलब कहीं अपने मन को न बांधना। मनुष्य है, पति है, पत्नी है, भाई है, पिता है, पुत्र है, गुरु है, गुरु भाई है, जितना बन सकता है बढ़िया से बढ़िया पूर्ण समर्पित होकर के सेवा करो, प्रेम का व्यवहार करो, पूरी तरह से एकदम समर्पित होकर के प्रेम का, सेवा का व्यवहार करो, लेकिन मन को बांधो मत कहीं भी। कितना प्रिय से प्रिय हो, एक दिन उनसे हमारा वियोग होना पक्का है, चाहे वो पहले चले जाए या हम पहले चले जाए, जाना पक्का है। सेवा करोगे, प्रेम का व्यवहार करोगे, तो आज आनंदित रहोगे, आगे भी नहीं रहेगे तो मन बढ़िया रहेगा। अब मोह कर लोगे तब फिर बैठ करके रोओगे। इसलिए पहले से सोचो, मैंने कहा कि अपने कर्तव्य के पालन में, चाहे जो हो जिसके लिए, छोटे बड़े जो भी रिश्ते हैं, अपने कर्तव्य के पालन में कहीं कोई भी चूक मत करो, पूर्ण समर्पित, पूरा प्रेम, पूरे सेवा। लेकिन ये अंदर से समझते रहो, आजकल में इसका मेरा साथ छूटना है, छूटेगा, चाहो तो न चाहो तो। पहले से सोचे रहोगे मन में कि इसका और मेरा वियोग होना है, तो वियोग होने पर, मौत होने पर रोओगे नहीं। ये रोना सोने की पहचान है। कितना भी रो लो, अब तो वो आएगा नहीं। तो प्रेम का व्यवहार करो, कौन मना करता है, लेकिन प्रेम का व्यवहार कम, रोना ज्यादा, मोह ज्यादा,
भारतीय परंपरा में जो कहा गया है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है, कोई देखा है? ये तो प्रेम बढ़ाने के लिए कह दिया भैया, एक जन्म प्रेम से निभा लो बहुत कठिनाई है, इसी में मर जाते हैं रोते रोते रोते, एक जन्म का आराम से जी लो, 7 जन्म की बात की चिंता मत करना। एक जन्म होता है 10-20 साल रहते उसी में रो तो लड़ते रहते हैं, 7-7 जन्म में तो नरक हो जाएगा। पूछना अपनी पत्नी से 7 जन्म रिश्ता कर, नहीं जी ये आखिरी जन्म है कहेगी वो। तो ये कहा जाता है कि 7 जन्म रिश्ता है केवल प्रेम बढ़ाने के लिए है, वह कुछ नहीं, कोई जानता नहीं है। मेरा मतलब यहां यह है कि चाहे मनुष्य का संबंध हो, पूर्ण समर्पित होकर प्रेम सेवा का व्यवहार करो, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन मन को ऊपर उठा करके। निर्जीव पदार्थ है उपयोग करो, हर समय अपने मन को हटा करके रखो, ये जागने का लक्षण है। और जब तक ये जागेंगे नहीं तब तक दुख का भोग होता रहेगा। सदगुरु कहते हैं संतों जागत निंद कीजिए, कहीं मन को उलझाना चिपकाना आसक्त हो जाना सो जाना है, इसलिए पूरी सावधानी, पूरी सावधानी। जो भी काम करना है ना, समझ लो कि पता नहीं दोबारा ये काम करने का अवसर आए या ना आए, हो सकता है ये काम अंतिम बार करना। जब भी कोई काम करना है ये समझो कि यह काम मैं अंतिम बार कर रहा हूं, और अंतिम बार कर रहा हूं तो इसलिए मुझे बढ़िया से बढ़िया करना है, कोई शिकायत ना रह जाए। सावधानी का मतलब, जागने का मतलब यह है, फिर कहीं गड़बड़ी नहीं होगी, फिर असर मिलेगा, फिर कर लेना, लेकिन हमेशा सावधानी पूर्वक और चित्त को ऊपर उठा करके, हमेशा चित्त को ऊपर उठा करके रखो, कहीं भी किसी से भी। जो चित्त को ऊपर उठा करके रखता है वो दुखी नहीं होता, जो चित्त को ऊपर उठा कर रखता है हर जगह हर समय वही संत है। ये कपड़ा संत नहीं है, संतत्व तो दशा है मन की। जा को जाना उतघरा, सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। ये सदगुरु कबीर की साखी है। आज यहां दुनिया में है, अभी छोड़कर जाना होगा, इसलिए चित जोड़ो मत, जैसे पहुना कहीं जाता है, घर वाले बहुत स्वागत सत्कार करते हैं लेकिन पहुना उसमें भूलता नहीं है, समझता है ये जगह पहुने की जगह है। चाहे कितना भी स्वागत करे, कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन खिला दे, पहुना उसमें भूलता नहीं है, कहता है ये 2 दिन के है बस, चित को ऊपर उठा कर रहता है, चल देता है वहां से। फिर ऐसी ही दुनिया पहुनई की जगह है, पहुनई करने के लिए मेहमान नहीं करने के लिए आए हैं। अच्छा हो बुरा हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सब जगह से, हर परिस्थिति से, हर पदार्थ से मन को ऊपर उठा करके रखें, देखेंगे काम बहुत बढ़िया होगा और चित्त में क्लेश नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा वहां वहां होती है जहां जहां हम जोड़ते हैं। अब प्रश्न हो सकता है चित्त को ऊपर उठाकर रखेंगे
तो काम कैसे होगा, मरम्मत कैसे होगी, होगा। अब जिस आश्रम में हम हैं, हम रहते हैं, कहीं कहीं कोई चीज टूट रही है, फूट रही है, कोई है, तो उसके रक्षा करना, मरम्मत करना, सुरक्षा करना, व्यवस्था करना, ये कर्तव्य है, ये करो। लेकिन कर्तव्य करते हुए भी सुधारते सुधारते भी बिगड़ जाए तो दुखी बिल्कुल नहीं होना है। जो हमें करना था हमने कर लिया, बिगड़ना तो प्रकृति का स्वभाव है, बनेगा तो बिगड़ेगा। तो काम पूरा करें, उसमें ढिलाई नहीं होना है, लेकिन बिगड़ जाए ना तो दुखी नहीं होना, क्योंकि हमने अपना काम किया। काम ना करते, मरम्मत ना करते, व्यवस्था ना करते तो हम दोषी थे। हमने पूरी मेहनत की फिर भी बिगड़ गई, स्वीकार करो। ये जागना है, जागने का अर्थ और बहुत कुछ है, लेकिन व्यवहारिक स्तर में तो हम इतना जाग सकते हैं ना। तो जागने का मतलब क्या है? हर समय सावधान रहना। न सोना मतलब क्या है? आलस्य न करना, प्रमाद न करना। आलस्य प्रमाद में हमारा समय व्यतीत हो जाता है। इल्ले साहब कहते हैं, संतों जागत निंद कीजिए, ऐ संतों जागते रहो। जागने वाला दुखी नहीं होता। किस बात का दुख? मैंने कहा था बीच में, ये तो जीवन है, सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, संयोग और वियोग, निंदा और प्रशंसा, सम्मान और अपमान, ये द्वंद जिंदगी भर आते रहेंगे। रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, लेकिन न सुबह रुकती है न शाम रुकती है। रोज दिन होता है, रोज रात होती है, न दिन सदैव रहता है न रात। घनी से घनी अंधेरी रात हो, विश्वास रखो सूरज निकलेगा ही निकलेगा। कभी ऐसी रात हुई है? जितना दिन व्यतीत हुए हैं जीवन के, जरा कल्पना करो, कभी ऐसी रात हुई है कि सूरज ना निकला हो? भयंकर से भयंकर परिस्थिति आ जाए, विश्वास रखो सूरज निकलेगा, सुख का सूरज आएगा, अनुकूलता का सूरज आएगा। लेकिन कितना बड़ा लाभ हो, कितना बड़ा लाभ हो, अहंकार मत करो, सूरज डूबना ही पक्का है। कभी ऐसा नहीं हुआ है जो सूरज दोपहर के समय एकदम तपा देता है, छह घंटा पचास तो उसको डूबना ही डूबना है। इसलिए आज जो बड़ा लाभ हुआ है ना, बहुत सम्मान हो रहा है, इसका अंत होना है, ये समझते रहोगे तो अहंकार नहीं होगा। घनी अंधेरी रात व्यतीत होगी, सूरज निकलेगा, ये विश्वास रखोगे तो दुखी नहीं होगे। अहंकारी ना होना, सुख में फूलना नहीं, धन जवानी पद प्रतिष्ठा का अहंकार न करना, अनुकूल प्रतिकूलता में, हानि में, वियोग में दुखी न होना, यही जागना है। लेकिन हम अनुकूलता में राग कर लेते हैं, सम्मान मिला, सुख मिला, अहंकारी बन जाते हैं, मर्यादा तक को भूल जाते हैं, प्रतिकूलता में, दुख में, वियोग में, हानि में दुखी हो जाते हैं। ये हमारे सोने की पहचान है। जिंदगी जीने का बढ़िया कायदा नहीं है। जो आ जाए स्वीकार, स्वीकार भाव, समता में, संतुलन में, हर समय मन को संतुलित रखना, ये जागना है। सदगुरु कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए, ऐ संतों जागते रहो, नींद मत करो। नींद लेना असावधानी है, नींद लेना बंधन है, नींद लेना नरक में जाना है, जाग जाना सावधानी।
जाग जाना स्वर्ग, जाग जाना मोक्ष का कारण, जागना अपने में होना, ये जागना स्वभाव। ये मानव जीवन सोने के लिए नहीं मिला है, जागने के लिए मिला है। जो जागा उसका दुख खत्म हो गया, और कोई भी आदमी कभी भी जाग सकता है। अज्ञान की नींद, गफलत की नींद, आलस्य की नींद में सोए सोए समय व्यतीत हो गया, अब तो हमें जगना है, जाग करके अपना काम करना है, और जो बन सके दुनिया की सेवा करना है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनुपम। सोए सोए क्यों बोल रहे हो, जाकर बोले, फिर जागने की बात कह रहा हूं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। ये लोग तो थोड़ा जाग गए हैं, इधर अभी वाले अभी तो सोए हुए हैं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनुपम।